मिसेस असलाफिया बानो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिबाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश कहती हूँ हमारे आज के सबक का उनवान है रजाइले अखलाक इस सबक के मकसद तलबा तलबात को अच्छा और बाखलाक मुसलमान बनने में मुआवनत देना रजायल अखलाक के बारे में कुरान सन्नत से रहनुमाई फ़राम करना अखलाक हसना से रगबत और रजायल अखलाक से नफ़रत के जज्बात की बेदारी रजायल अखलाक से पैदा होने वाली बीमारियों और नुकसान से आगाह करना फलाह दार की आगाही पैदा करना हमारा आज का ये सबक साल अव्वल के नसाब में शामिल अखलाक में से झूठ और मुनाफ्त पर मबनी है आप अपने सवाल को सुर्खियों के तहत हल कर सकते हैं रजायल अखलाक रज़ाइल के मानी है घटिया नापसंदीदा या बुरे अखलाक के रजायले अखलाक से मुराद वो बुरी और नापसंदीदा आदतें और रवैये हैं जो इंसानी किरदार को बुरा बना देते हैं जिस तरह अखलाक हसना की एक तवील फहरिस्त है जिसको अपना कर आदमी दुनिया और आखरत संवार सकता है इसी तरह कुछ ऐसे अखलाके रजीला भी हैं कि जिनको इख्तियार करने के बाद इंसान हैवानी दर्जे में जा गिरता है और आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो जाता है महरूम हो जाता है चंद रजायल अखलाक दर्जैल है गीबत, मुनाफ्त तकबर और हसद वगैरह आज हम इनमें से झूठ गीबत और मुनाफ्त के बारे में पढ़ेंगे झूठ झूठ के लिए अरबी जबान में किस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है झूठ से मुराद हकीकत के खिलाफ कोई बात या अमल करना है अब हम देखते हैं कि कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह ताला ने किस तरह कुरने पाक में झूठ की मजम्मत की है अल्लाह की लानत का सबब, अल्लाह ताला ने कुरने करीम में इर्शाद फरमाया कि लानतुल्लाही अलल काजिबीन झूठों पर अल्लाह की लानत है झूठ अखलाके रजीला में से सबसे बुरी और मजमूम आदत है झूठ को उम्र रज़ाइल और उम्र ख़बाइस भी कहा गया है जो हर किस्म की कौली और फेली बुराई की जड़ है झूठ ऐसा कबीरा गुना है कि जो इंसान इन, को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है और उसकी लानत का मुस्तक बना देता है हिदायत से महरूमी झूठ की वजह से इंसान अल्लाह ताला की हिदायत अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है अल्लाह ताला झूठे लोगों की रहनुमाई और नहीं करता और उन्हें भी हिदायत उन्हें हिदायत भी नहीं देता कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ काजिबुन कफार बेशक अल्लाह ताला झूठे और इनकार करने वाले को हिदायत नहीं देता अजाब जहन्नुम का बायस झूठ इंसान को जहन्नुम तक ले जाता है कुरान करीम में इर्शाद बारी ताला है वलहुम अजाबुन अलीम बिमा कानू यकजीबून उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे झूठ से इस्तेनाब का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में बारह ताद की है मुसलमानों को कि झूठी बात कहने से आ, फेल में तजाद से बाज रहो ऐसी बात ना करो जो कि तुम अमल नहीं करते हो तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वज तानिबू कौलस जूर और झूठी बात से इज्तनाब करो नेक बंदों की सिफात पुराने पाक में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की जहां और बहुत सी सफ, सिफात बयान की हैं, वहीं अल्लाह ताला ने एक सिर्फ तो ये बयान की है कि वल्ला जीना ला या शहादून जूरा और वो लोग झूठी गवाही नहीं देते जहन्नुम में दाखिले का सबब अहादीस मुबारक में भी झूठ की बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है और झूठ से परहेज के बारे में हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है जहन्नुम में दाखिले का बायस नबी अ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तुम झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ लेकर जाता है और गुनाह जहन्नुम की आग की तरफ लेकर जाता है झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है नबी करीम वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने नबी इकरार किया कि शराब नोशी जुआ खेलना इन बहुत से कामों में मैं मुलविस हूँ लेकिन इनमें से मैं किसी एक को छोड़ सकता हूँ तो आप मुझे बताएं कि मैं आप मुझे हुक्म करें कि मैं किस चीज को छोड़ू नबी वसल्लम ने उसे ताकीद की कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो तो जब भी उस शख्स को किसी भी गुनाह का ख्याल दिल में आता तो वो ये सोचता कि अगर मैं ये गुनाह करूंगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे तो मैं उनके सामने किस तरह झूठ बोलूंगा और झूठ बोलने से नबी अकरम ने मना फरमाया तो आहिस्ता आहस्ता झूठ के साथ झूठ ना बोलने की वजह से उसके बाकी गुनाहों से भी उसे नजात मिल गई क्योंकि झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है मुनाफकत की निशानी है। नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की तीन निशानियां तो झूठ बोलेगा जब वो वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा और जब इसके पास समानत रखवाई जाएगी तो ख़यानत करेगा लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलना बाज लोग लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं और इसको कोई अहमियत नहीं देते इसे बहुत हल्का जानते हैं नबी करीम वसल्लम ने ऐसे ही हंसी मजाक में झूठ बोलने वालों के लिए इर्शाद फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है इसके अलावा हमारे मुआशरे में झूठ की मजीद बहुत सी अकसाम भी राइज हैं जैसे कम तोलना गरूर करना मुनाफकत से काम लेना और नबू नमूदो नुमाइश भी झूठ ही की अकसाम शुमार की जाती हैं। रजायले अखलाक में से एक और बहुत बुरी बीमारी बहुत संगीन अखलाकी बुराई गीबत है गीबत से मुराद है किसी की गैर मौजूदगी में उसका इस तरह जिक्र करना कि अगर वो सुने तो उसे बुरा लगे कुरान करीम की रोशनी में गीबत की मजम्मत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारहा गीबत से मना फरमाया है और गिबत को नहायत बुरा अखलाक बताया है कुरान में सूरह हजरात में अल्लाह ताला का इर्शाद है वला यगतुब बाजुकुम बाजन आयुहिबु अहदुकुम अन्याकुला लहमा अखीही मैतन फकरेह तुमहु तर्जुमा और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए पर तुम इसे ना पसंद करते हो जिस तरह एक मुर्दा शख्स अपना दिफा नहीं कर सकता इसी तरह एक वो शख्स जिसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई की जाए तो उसका दिफा वो अपना दिफा नहीं कर सकता इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने नहायत बलीग मिसाल दी है कि जिस तरह एक मुर्दा अपना दिफा नहीं कर सकता इसी तरह गीबत कर जिसकी गीबत की जा रही है वो शख्स अपना दिफा नहीं करता तो इस किसी गैर मौजूद भाई की गिबत करना उसका गोश्त खाने के बराबर है दायमी बर्बादी का सबब गीबत हमारे अमाल को ख़त्म करके हमारे गुनाहों में इजाफे का बाइस बनती है और हमारी दायमी बर्बादी का सबब बन जाती है हमारी आख़रत को बर्बाद कर देती है कुरान करीम शादी बारी ताला है वही लुल्ली कुल्ली हुमाजाते ज़ातिल हलाकत है हर ऐब टटोलने वाले और गिबत करने वाले के लिए अब हम देखते हैं कि अहदी से मुबारक में किस तरह नबी सलम ने मुजम्मत की की है अजाब अलीम का बायस अजी अलीम के मानी है दर्दनाक नबी सल अलाम ने महराज के मौका पर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून तांबे के हैं और वो अपने बड़े बड़े तांबे के नाखूनों से अपने सीनों को अपने जिसम को अपने चेहरों को नोच रहे हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाव किया तो आपको बताया गया कि ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों की गिबत करते थे अजाब कबर का बायस नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम दो कबरों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है इनमें से एक शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा शख्स गीबत करता था गीबत बदकारी से ज्यादा बड़ा गुना नबी सल मुबारक है तर्जुमा गीबत जना से भी बड़ा गुना है किए गए शख्स की, की इज्जत के दिफा पर अजर जो शख्स किसी ऐसे शख्स की इज्जत का दिफा करता है जिसकी गैर मौजूदगी में इसकी की जा रही हो तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से बचा लेता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि जिसने अपने भाई की गैर मौजूदगी में इसकी इज्जत की हिफाजत की तो अल्लाह पर यह हक है कि उसे आग से आज़ाद करे तहकीर आमेज इशारात उलमा कराम ने नकल उतारने और तहकीर आमेज इशारात करने को भी गीबत में शुमार किया है हम लोग देखते हैं कि बच्चे और दोस्त आपस में एक दूसरे के लिए गलत किस्म के इशारात करते हैं आ, किसी को पागल करार देना किसी को बेवकूफ करार देना किसी को छोटे कद का बताना किसी की नकल उतारना तो ये सब बातें भी गीबत में शुमार होती हैं गीबत के जायज़ होने की सूरतें उल्मा कराम ने शरीयत इस्लाम में गीबत की दो सूरतों को जायज करार दिया है। नंबर एक मजलूम की जालिम के खिलाफ फरियाद की शक्ल में नंबर दो दूसरे लोगों को किसी फरेबकार की फरेबकारी से आगाह करने के लिए यानी कोई शख्स धोखेबाज है कोई दुकानदार कम तोलता है या गलत सामान देता है तो दूसरे लोगों को इनके नुकसान से आगाह करने के लिए उसकी बुराई या ऐप बयान करना रिश्ते नाते तय करते वक्त लड़के या लड़की के उनमें मौजूद से आगाह करना यह गिबत में शुमार नहीं होगा इसे गिबत के लिए जायज करार दिया गया है इतिहाम में फर्क गिबत से मुराद किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसकी वो बुराई बयान करना है जो इसमें मौजूद हो जबकि इल्तेहाम यानी तोहमत लगाने से मुराद ये है कि किसी शख्स का ऐसा ऐब बयान किया जाए जो उसमें मौजूद ही ना हो और बिना वजह उसके दामने इफ़त पर दाग लगाया जाए अब हम अखलाक़े रज़ीला में से एक तीसरे बहुत बड़े आ, बुरे अखलाक के बारे में बात करते हैं वो है मुनाफकत मुनाफकत का लफ्ज नफक से निकला है जिसका मतलब दो रुखापन दोगलापन, दो रुख दो मुंह वाला अरबी ज़बान जबान में नफक सुरंग को कहते हैं क्योंकि सुरंग के दो मुंह होते हैं इस तलाह में मुनाफकत से मुराद जाहिर में कुछ और होना और बातिल में बातिन में कुछ और होना है मा कराम ने मुनाफिक की दो अकसाम बयान की हैं। एक एतक मुनाफिक दूसरा अमली मुनाफिक मुनाफिक, जैसा कि कि उसके नाम से जाहिर है, वो शख्स जिसने दिल से इस्लाम कबूल ना किया हो जो दिल से इस्लाम की सदाकत का कायल ना हो लेकिन किसी मसलहत या शरारत की बिना पर इस्लाम का लबादा ओढ़कर मुसलमानों और इस्लाम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है इसे एतकादी मुनाफिक कहते हैं नंबर अमली अमली मुनाफिक। अमली मुनाफिक वो है जो अगरचे खुलूस नियत से इस्लाम तो कबूल करता है लेकिन बाज बशरी कमजोरियों की वजह से इस्लाम के अमली आकाम पर अमल करने में सुस्ती या कोताही करता है यानी सर्दी लग रही है तो वजू करते हुए सुस्ती करना नमाज पसंदीदा टीवी प्रोग्राम आ रहे हैं तो उठने से गुरेज करना मेहमान आ गए हैं तो नमाज को लेट करना और मेहमानों को फोकियत देना इस किस्म के ये अमाल बशरी कमजोरियां कहलाती हैं पहली किस्म का मुनाफिक यानी एतक़ादी मुनाफिक काफ़रों से भी बदतर है जबकि दूसरी किस्म का मुनाफिक साहिब ईमान ज़रूर है लेकिन इसकी तलीमो तरबियत में अभी कमी है इसकी तलीमो तरबियत अभी नाक़ है जो किसी मुअल्लिम मुरबी या किसी बुजुर्ग ने बुजुर्ग के अः नजर या सोबत नशीनी से मुकम्मल हो सकती है क़रीम में मुनाफिकीन के बारे में अहकाम अल्लाह तला ने कुरान पाक में बारहा मुनाफिकीन के बारे में मुसलमानों को आगाह किया है और उनके साथ रवैया रखने के बारे में हमारी रहनुमाई की है मुनाफिकीन पर सख्ती का हुक्म सूर तोबा में अल्लाह ताला ने नबी अलैहि वसल्लम को मुसल मुनाफिकीन पर सख्ती करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने फरमाया नबी जहाद करो मुनाफिकों और काफिरों के साथ और उन पर सख्ती करो उनका ठिकाना जहनुम है और वो बहुत ही बुरी जगह है बदतरीन अजाब जहन्नुम कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल असफली मिनन्नार बेशक मुनाफिक दोजक के सबसे निचले गड़े में है जिस तरह जन्नत के दर्जात हैं कि जो शख्स नेकियों में जितना ज्यादा है जन्नत में उसके दर्जात उतने ही बुलंद होंगे इसी तरह गुनाहों में इसी तरह दोजक के भी दर्जात हैं कि जन दोजक का सबसे निचला गढ़ा सबसे ज्यादा गुनागार सबसे ज्यादा बदतरीन अजाब के लिए मखसूस है और उस जगह पर मुनाफिकीन होंगे कुफार और मुनाफिकीन का अंजाम अल्लाह तला ने मुनाफिकीन को कुफार ही के साथ शामिल किया है और फरमाया है इन अल्लाह जामी उल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन जमिया बेशक अल्लाह काफिरों और मुनाफिकों सबको जहनम में इकट्ठा करेगा मस्जिद जर्रार मदीना में मुनाफिकीन ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइया करने के लिए अपना एक सेंटर अपना एक मरकज बनाया और उसे मस्जिद की शक्ल दी मस्जिद अल्लाह ताला ने बजरिया वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया कि ये मस्जिद मुनाफिकीन ने मुसलमानों में तफरका पैदा करने और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए तामीर की है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आगाह कर दिया वार्निंग दे दी कि ये मस्जिद मुसलमानों के नुकसान के लिए है कुरान पाक में अल्लाह तला ने फरमाया व्लाजी नस्जिद व कुफर व तफरी कम मुमिनीन और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफर के सबब और मुसलमानों में तफरका डालने के लिए तो मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इस मस्जिद को गिरा दिया मुनाफिकीन के लिए दोहरा अजाब अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के लिए कुरान पाक में दोहरे अजाब की वईद सुनाई है

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है तुम क्यामत के रोज अल्लाह के यहाँ बदतरीन शख्स दो चेहरों वालों को पाओगे जो एक जगह एक चेहरा लेकर आता है और दूसरी जगह दूसरा चेहरा लेकर आता है मुनाफिक की निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की तीन निशानियां बयान करते हुए फरमाया कि जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा जब वो वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा और जब इसके पास समानत रखवाई जाएगी तो खयानत करेगा अजाब नार हदीसे मुबारक है कि दुनिया में जिसके दो रुख होंगे क्यामत के दिन इसके लिए इसके मुंह में आग की दो जबाने होंगी यानी उसे आग का अजाब दिया जाएगा अल्लाह ताला हम सब को तोफीक दे कि हम इन अखलाक रजीला से बचें और अपने आप को महासिन अखलाक से मुतरफ करें ताकि हमारा मुआरा एक मिसाली फलाही इस्लामी मुशरा बन जाए आमीन आप सब ने इस सवाल को अच्छी तरह समझना है और इसकी सुर्खियों और हवालों को बहुत अच्छी तरह याद करना है आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को सिर्फ इन हवालों और सुर्खियों तक महदूद रखें आप अपनी मजीद मालूम भी इस सवाल में शामिल करके अपने जवाब को मजीद बेहतर बना सकते हैं अल्लाह ताल हम सब का हामी और नासिर हो आमीन